जय श्री राम दोस्तों। हो चुकी है सुबह और अभी यहीं पे हम रात में रुके थे। ये मंदिर है, यहाँ पे सब बोरिया है। ये इस तरह हमारा मंदिर है। अच्छा, मतलब दो तीन मंदिर है इधर आस पास ही, और शनि महाराज का भी है, सभी लोगों का है। तो मैंने सुबह से मुंह नहीं धोया हूँ और हम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्योंकि धूप में चलते नहीं बने तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर से। और अभी रात में लेट आने के बाद हम लेट उठे हैं, बाकी अब निकल रहे हैं। ये मंदिर से एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से निकलेंगे। आगे बताते हैं आपको क्या होता है। श्री राम हर महादेव दोस्तों। तो मंदिर से हम निकल आए थे, थोड़ी आगे बढ़े थे, 1 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे, और भैया मिले हमें। आपका शुभ नाम? मेरा जानम लोहार। तो भैया भी एमपी से ही है, सागर जिले से, और हम भोपाल जिले से हैं। तो भैया ने मतलब रोका बोले कि कुछ नाश्ता वगैरह करके जाओ, तो समोसे खा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सागर भोपाल से कितना कितना 500-600? नहीं, 340। 340 340 देव दोस्तों, मैं कैमरा साफ कर इधर देखो दोस्तों। कैमरा साफ कर लिया मैंने। अभी हम मंदिर पर रुके हैं, दोपहर है। ये मंदिर है, अभिषेक नहा रहा है यहीं पे। बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है ये। मेरे को नहीं आपने दिखा बताया कि देखो, जय भोलेनाथ। तो बस अब यहीं पे रुके हुए हैं, और स्नान करने के लिए कहीं जगह नहीं मिली इधर हमको, तो यहीं पे स्नान कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में यहाँ से थोड़ी देर में क्या, अब तो इच्छा होगी कि दोपहर में तो चलते बनेगा नहीं, तो 4 बजे या 5 बजे ही शुरू करेंगे चलना। बाकी अभी 12 बजी हुई है, तो इधर ही हमने हमारा सामान रखा हुआ है, इधर ही बस थोड़ा सा देर बिस्तर लगाएंगे और सोएंगे आराम से। काम ही क्या बचा जिंदगी में खाना पीना सोना और चलना, जय श्री राम हर महादेव करके चलना। रामलाला को प्राण प्रतिष्ठा परे एबे सारा राज्य रे एवं भारत वर्ष रे रामलाला को जयगान चली। एबे जय श्री राम नारा रे प्रत्येक जिल्ला रे, प्रत्येक ब्लॉक रे एवं प्रत्येक गाँव रे प्रत्येक दिन गुंजरित होता बेले, आज आम अच्छु मयूरभंज जिलार करंजिया ब्लॉक पाटपलसा गाँव में अच्छु। एवं एठारे जो मध्यप्रदेश राजधानी जो भोपाल रही, से भोपाल किसी दुई युवक अच्छा, से जो आम रही हिंदू धर्मर प्रचार प्रसार पाई से बारा ज्योतिर्लिंग एवं चारिधाम यात्रा रे बाहरी एवं आज आसी पहुँची, एवं आगक कौन लक्ष्य रही, केते दिन यात्रा कले, से सब संपर्क में आलोचना करवा। आसतु सीधा सड़क पाखु प्रतिक्रिया ना। भाई सबसे पहले आपको अर्गस न्यूज को स्वागत है। कहाँ से आए हो और कितना दिन से आप आ रहे हो? जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव। मेरा नाम ऋतिक चौहान, सीहोर जिले में रहता हूँ मैं। हमने भोपाल मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यात्रा शुरू की है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम यात्रा है हमारी। तो 21 तारीख को हम पहले अयोध्या गए, वहाँ से हमारी पहली ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ पर दर्शन किए, फिर वहाँ से दूसरी ज्योतिर्लिंग देवघर जो झारखंड में पड़ती है वहाँ पर दर्शन किए। अब हम हमारे पहले धाम जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे हैं। कितना दिन हो गए आप लोग उधर से शुरू किए? हमने 5 जनवरी से यात्रा शुरू की है, आज 69 दिन हो गए। रास्ते में कोई दिक्कत, कोई मुसीबत कुछ नहीं? कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक तो हमें, मतलब इतने दिन हो गए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। क्या लक्ष्य लेके निकले हैं वहाँ से सीधा? लक्ष्य यही है, जैसे महाकाल के दर्शन, पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना है हमें। अभी तक कितना ज्योतिर्लिंग आप लोग दर्शन कर लिए हैं? 2 ज्योतिर्लिंग हो गए। कौन कौन सा है? काशी विश्वनाथ और देवघर में है वेदनाथ। और अभी कहाँ जाने का पूरा जो आप लोग का लक्ष्य, कहाँ पर तक? हम अभी जगन्नाथपुरी जाएंगे पहले धाम, उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद रामेश्वरम जाएंगे जहाँ पर एक धाम है और एक ज्योतिर्लिंग भी है, तो वहाँ हमारी 4 ज्योतिर्लिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद हम महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है। फिर उसके बाद गुजरात जाएंगे, और गुजरात से फिर हम जाएंगे केदारनाथ उत्तराखंड। फिर उसके बाद लास्ट में हम हमारे मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, और फिर लास्ट में आखिरी रहेगा हमारा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। दोनों साथ में निकले थे? हाँ, एक ही साथ में। हाँ, एक साथ। कितना किलोमीटर अभी तक चल लिया? 1800 किलोमीटर की यात्रा हो गई हमारी यहाँ तक अभी। अभी अभी आप लोग पूरी जाएंगे? हाँ, पूरी। इससे पहले कभी पूरी का नाम सुने थे या कभी गए थे उससे पहले? हाँ, पहले नहीं गए, हमने नाम सुना था जगन्नाथपुरी, बहुत चार धाम में से एक धाम।
निश्चित पक्षे आम शुणुले मुहरू आम प्रतिक्रिया नौले यहाँ पे भैया लोग हमारे सोने के लिए सफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम रुकेंगे स्कूल में और यहाँ पे कौन सा गाँव भी मयूरभंज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है बाटपलसा गांव है तो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं दो साथी हम लोग का मतलब हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक ऋतिक है और एक दूसरा आप आपका नाम क्या है भैया अभिषेक जी अभिषेक जी है तो बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोग युवा अवस्था में ये लोग मतलब धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं बहुत ही खुशी लगा आके यहाँ पहुंचे हैं और इससे हम लोग उनको साथ देंगे आगे जाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाएंगे। जय श्री राम जय श्री राम। तो सभी साथ में बोल दीजिए एक बार जय श्री राम जय श्री राम। तो भैया लोग बहुत ही स्नेहपूर्वक है और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर यहीं पे सोएंगे ये हमारी हमारी व्यवस्था करवाई है सभी भैया लोगों ने तो बस स्टे करेंगे फिर कल सुबह आगे बढ़ेंगे बाकी आगे क्या होता है आपको बताते हैं। जय श्री। तो दोस्तों अभी हम आए हैं चाचा जी के घर पे और यहीं पे भोजन कर रहे हैं और जो दादी हैं वो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं अभी क्या द्रौपदी मुर्मू जी उनके दोस्त हैं तो आज हमें मौका यहाँ पर भोजन खाने का मिला तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद और दादी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बाकी दादी से भी दादी बोल। जय श्री राम दादी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भोजन करेंगे फिर अभी आगे और बताएंगे।